कुछ खोया है। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने 6 महीने में कुछ पाने का ही काम किया है, कुछ देने का ही काम किया क्या है। क्या पाया वो सूची बता दीजिए। देखिए, हमारे सामने सरकार बनाते ही 2 चुनौतियां थी। एक चुनौती हमारे सामने थी 5 साल बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश की, उसने जो चीजें और जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में पैदा किया था, और सपोज करिए कि एक कमरा हो और उसमें 5 साल तक सफाई न की गई हो और गंदगी की भरमार हो, एक तरफ तो हमको उस कमरे की सफाई करनी थी, दूसरी तरफ हमारी चुनौतियां हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने चुनाव के पहले ही अपनी एक कुछ घोषणाएं निश्चित की थी, एक घोषणा पत्र जारी किया था, ठीक है, और उस घोषणा पत्र के आधार पर हम चुनाव लड़े हैं, जनादेश प्राप्त किया है। उन घोषणा पत्र को अमल करना, अमल में लाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता भी थी और हमारे लिए चुनौती भी थी। ठीक है, आज हम कह सकते हैं कि इस 6 महीने में निरंतर लगातार बिना कोई एक दिन गंवाए हुए सरकार ने अपने घोषणा पत्र को अमल करने पर, अमल में लाने पर जी पूरी उसने कार्रवाई किया। मैं सिर्फ 3 बातें कहूंगा पांडे जी, मैं सिर्फ 3 बातें पूरी विनम्रता से कहूंगा। पहली बात यह कि किसानों के 50,000 के कर्ज माफी में कौन से किसान आएंगे वो घोषणा पत्र में नहीं बताया गया। सहकारी विकास, सहकारी भूमि विकास बैंक से जिन्होंने कर्जा लिया सिर्फ वो किसान उसमें आएंगे। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो उस कर्ज माफी के दायरे में नहीं आए। सिर्फ 10-13% लोग किसान ऐसे हैं जो कर्ज माफी के दायरे में आए, जिन्होंने कर्जा लिया था पूरे प्रदेश में उनमें से। दूसरी बात मैं कहूंगा कि बेरोजगारी भत्ता जो देने की बात थी घोषणा पत्र में, उसमें उम्र सीमा लिखी नहीं गई थी, लेकिन जब बजट बनाया गया और भत्ता बांटने की बात आई तब उम्र सीमा का एक क्लॉज फंसा दिया गया। कन्या विद्याधन की बात करें, मुफ्त बिजली देने की बात करें, मुफ्त सिंचाई देने की बात करें, इन तमाम चीजों में भी एक के बाद एक पेच आए। जो विज्ञापन प्रदाता जो कंपनियां हैं, जब अखबारों विज्ञापन छपवाती हैं, कोई गाड़ी वाले विज्ञापन छपते हैं तो लिखता है कि 50 किलोमीटर प्रति लीटर, लेकिन स्टार बना के नीचे लिखता है मानक परिस्थितियों में, कंडीशन लगा देता है। आपके घोषणा पत्र में कोई स्टार नहीं था। लोगों ने यह समझा कि अरे ये तो सबके लिए है, जिन किसानों ने सरकारी बैंक से लोन लिया हो, अर्ध सरकारी बैंकों से लोन लिया हो, साहूकारों से लोन लिया हो, सबका कर्जा माफ होगा, धड़ाधड़ आपको वोट मिले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, किसान खुद को ठगा महसूस कर रहा है। इस तरह बहुत सारी खामियां हैं पांडे जी। देखिए, आपने 3 बातें हमसे पूछी। एक तो आपने किसानों के कर्जा माफ करने के संबंध में आपने हमसे पूछा। हाँ, हम बड़ा स्पष्ट कर दे रहे हैं कि हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में दिया था कि 50,000 रूपये तक का जो किसानों का कर्जा है उसे सरकार माफ करेगी। और हम बड़ा स्पष्ट कर देना चाहते हैं आपको, और 6 जिलों के तो आंकड़े हैं हमारे पास कि जितने सहकारी बैंकों से लोन थे किसानों के, उनमें लगभग 60% लोगों के, यही तो मैं कह रहा हूँ, सरकारी बैंकों से जिन्होंने लोन लिया वो माफ नहीं होंगे ना। एक से मनोज जी मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, कृपया करके मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपकी खामियां बताइए। बोलिए बोलिए। फिर दूसरी वो बैंकें आती हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सीधे रिलेटेड हैं, उसमें स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनके लिए भी सरकार की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इनकी वार्ता चल रही है, इसकी पत्रावली चीफ सेक्रेटरी महोदय के माध्यम से उन लोगों तक भेजी गई है। ठीक है, ये एक नई बात। उस पर भी काम चल रहा है। ठीक बात। उस पर भी काम चल रहा है कि हम उसको भी माफ करेंगे। दूसरी बात आपने बेरोजगारी भत्ता की कही है। आपने कहा कि घोषणा पत्र में कोई उम्र सीमा नहीं लिखी है। हाँ। आप 11 नंबर बिंदु हमारे घोषणा पत्र का उठा करके पढ़िए। ठीक है, 11 नंबर बिंदु में हमारी घोषणा पत्र में लिखा हुआ है क्या? उसमें आयु सीमा हमने 30 वर्ष निर्धारित किया था जी, और बाद में लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता की अपेक्षाओं पर, लोगों की मांग पर, उन्होंने उसको और नीचे कर दिया, 25 से उन्होंने 40 ले लिया जी, ये वो तो प्लस किया, उन्होंने घटाया नहीं। अच्छा, उन्होंने प्लस कर दिया, 25 से 40 कर लिया। अच्छा, और नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा। अब अगर कोई प्रश्न करे कि 60 साल के लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा जी, तो हम कह देंगे कि वृद्धा पेंशन हम किसको देंगे। ठीक, अगर है, हम 60 साल के लोगों को बेरोजगारी पांडे भत्ता जी, देंगे, आप रही हमारे तो साथ पेंशन किसको देने जी, जाएंगे? आप रही है, नहीं, आपके पास मैं आऊंगा। आपने एक नई बात बताई है, मैं पूरा संज्ञान लूंगा, पूरा वेटेज दूंगा और पूरी सराहना करूंगा आपकी। जो नई बात आपने बताई है कि जो सरकारी बैंक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो अधिसूचित बैंक है, उनसे भी अगर किसानों ने लोन लिया हो तो आप उनका भी कर्ज माफी के लिए बातचीत कर रहे हैं। सुधीन्द्र भदौरिया साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुधीन्द्र भदौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर, पहली बार लाइव आप आए हैं, आपका विशेष स्वागत है। सरकार के 6 महीने पूरे हो गए,
स्वामी प्रसाद मौर्य जी लाइव मौजूद हैं, उन्होंने सरकार को पानी पी पी कर कोसा है, पार्टी लाइन से ऊपर उठे बिना बात की है। मैं चाहता हूं कि आप पूरी ईमानदारी से अपना आकलन बताएं माननीय। देखिए, इस छह महीने के आकलन में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आपको बतला दिया, पर मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन से ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनी उस दिन से अत्याचार हत्याएं शुरू हो गई, और आपने स्वयं देखा कि झांसी में 15 पत्रकारों को बंधक बनाया गया, और दूसरे दिन तक आपने पूरे उत्तर प्रदेश का जो हाल था फिरोजाबाद से लेके और अन्य स्थानों पर आपने देखा। उसके दो हफ्ते बाद तो जो लोग जश्न मना रहे थे उन्होंने आम जनता के साथ जो व्यवहार किया वो भी पूरे प्रदेश को मालूम है जी। फिर उसके बाद जहां तक घोषणा पत्र, मैं उस पे बात पे आऊंगा, पर इन्होंने जिस तरह से बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी और पार्क के नाम बदले, बहन मायावती जी की मूर्ति तोड़ी, उससे ये पता चल गया कि इन लोगों के मन में जो हमारे दलितों के और बड़े महापुरुष हैं उनके प्रति इनके मन के अंदर कितनी घृणा है। और इसके साथ साथ इन्होंने बिजली का जहां तक सवाल है, पांच क्षेत्रों को तो विशेषकर बिजली दी जाएगी, और उत्तर प्रदेश के 95% जगहों पर बिजली के मामले में सौतेला व्यवहार किया जाएगा। जहां तक बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, 10,000 लोगों को अभी इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया, 20 करोड़ के प्रदेश के अंदर मैं मानता हूं, और आप योजना आयोग से भी कई आपको तमाम तरह के तथ्य मिल जाएंगे। मैं मानता हूं कि अर्ध बेरोजगार और बेरोजगारों की संख्या आप जुटाएं तो ये इनके पास तो वो आंकड़े कहां से, ये 10,000 लोगों को इन्होंने भत्ता दिया जबकि करोड़ों की संख्या निकल आएगी बेरोजगारों की और अर्ध बेरोजगारों की। यही मामला है किसानों का, बुंदेलखंड के किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, और आज जब 6 महीने पूरे हुए हैं तो मैं इनको बताना चाहता हूं मनोज पांडे जी को कि सीतापुर के अंदर गैंग रेप हुआ है 2 दलित महिलाओं के साथ, दहेज की हत्याएं हुई हैं आज के दिन, ये क्या बात कर रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश कराह रहा है कानून व्यवस्था की वजह से, और किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, सभी लोग उत्पीड़न का शिकार हो गए। भदौरिया जी, मनोज पांडे जी को कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं मैं। भदौरिया जी, आप जो बात कह रहे हैं वो आपकी बातों के समर्थन में मैं मनोज पांडे जी को कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। आदरणीय मनोज पांडे जी, मेरे पास साल 2010, 2011 और 2012 के आंकड़े हैं। साल 2010 में इसी 6 महीने के दौरान जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तब सिर्फ 40 डकैतियां हुई, 2011 में संख्या बढ़कर 52 हुई और आपकी सरकार में 483 हो गई। लूट के मामले 2010 में 463, 2011 में 483, आपकी सरकार के 6 महीने के कार्यकाल में 1812, हत्या 2010 में 888, 2011 में 1014, आपकी सरकार में 2734, अपहरण 2010 में 1407, 2011 में 183, आपकी सरकार में 680 अपहरण, बलात्कार आपकी सरकार में 1134, जबकि 2010 में जब मायावती जी की सरकार थी तब यह आंकड़ा आपसे ज्यादा था 1407 का। कुछ कहेंगे इस पे पांडे जी? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, भदौरिया जी कह रहे थे ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे इन आंकड़ों की रो में, जो आंकड़े मैंने बताए हैं आपको इन आंकड़ों के साथ साथ भदौरिया जवाब दीजिए। नहीं, राजनीतिक मंचन के अलावा नहीं, इन आंकड़ों में भी मैं आऊंगा और आपको इसका जवाब दूंगा जी। देखिये, जहां तक भदौरिया जी बात कर रहे थे कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार की, इन्हें तो नैतिक रूप से अधिकार नहीं रहा कि ये भ्रष्टाचार की बात करें और ये कानून व्यवस्था की बात करें। ये भूल गए कि इनकी पार्टी के विधायक ने एक इंजीनियर को पीट पीट करके उसकी हत्या कर दिया। ये भूल गए कि इन्हीं की सरकार के एक मंत्री ने फैजाबाद के एक अबला एक लड़की की अस्मत ही नहीं लूटी, उसकी नृशंस हत्या कर दिया और वो जेल गए। ये शायद भूल गए कि इनके पार्टी के 17 विधायक वो बलात्कार, हत्या, लूट और अपहरण के मुकदमों में जेल गए, और तब जेल गए जब वहां की जनता ने थानों पर घेराव किया, एसपी के यहां प्रदर्शन किया,
ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में एक भ्रष्टाचार सरकार, अभ्रष्ट सरकार की जो आंकड़े मैंने बताए उसके बारे में बोल दीजिए। और जहां तक देखिए आंकड़ों की बात है तो ये सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार में मुकदमे पंजीकृत करने पर रोक लगी थी। हमारी सरकार लोकतंत्र पर विश्वास रखती है, अगर कोई अपराध हुए हैं तो अपराध के मुकदमे दर्ज हुए हैं। सुधीर जी को सुन लेते हैं, सुधीर जी बोलिए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुधीर जी को सुन लेते हैं, उसके नाम पर भदौरिया साहब बोलिए बोलिए बोलिए। दल की बात है, ये तो कोई राजनीतिक दल है ही नहीं, ये तो जी देखिए ये जो बोल रहे हैं बहन मायावती जी, जहां तक देखिए जहां तक कानून व्यवस्था की बात है और भ्रष्टाचार की बात है तो इनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रिकॉर्ड कैमरे पर देखे गए हैं ये कहते हुए कि चोरी कर सकते हो, सड़क बना रहे हो कोई बात नहीं, चोरी छोटी मोटी चोरियां चल सकती हैं। इसी तरह से अभी एनआरएचएम के मामले में इनके ही मंत्री उन भ्रष्ट लोगों को पांडे जी सुन लीजिए एक एक करके बोलेंगे, मिलने गए पांडे जी प्लीज सुन लीजिए। तीसरी चीज अब आप सुनिए, इनके ये जो कह रहे हैं बहन मायावती जी ने, हमारी सरकार के दौरान जितने भी चाहे वो मंत्री रहे हो, विधायक रहे हो, सांसद रहे हो, उनको जेल भेजने का काम किया। और जिस विधायक की बात कर रहे हैं ये औरैया के विधायक, आज भी जेल के अंदर बंद हैं श्री शेखर तिवारी। बहन मायावती जी आयरन लेडी थी और उन्होंने सख्त कार्रवाई की उन लोगों के खिलाफ, वो पार्टी के लोग। एक बात और कहूंगा मैं, पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी बुंदेलखंड के बांदा जिले के नरेनी से बीएसपी के विधायक थे, एक दलित महिला के साथ बलात्कार में पकड़े गए थे और वो भी जेल में। मायावती जी की सरकार थी, आपने तो अपने और वो भी जेल में लड़ाई लड़ा है, पूरा जनमानस लड़ाई लड़ा है, तब वो भी जेल में। भदौरिया जी, मनोज जी मैं इसमें हस्तक्षेप करना चाहूंगा, अपराध पर आपका भी कोई बहुत स्पष्ट चेहरा नहीं है। विजय मिश्रा किस पार्टी से है, किसने जाके भदोई में कहा था कि शेर है विजय मिश्रा, विजय मिश्रा की जन्म कुंडली बताऊं, किसने गुड्डू पंडित को टिकट दी, ये सब मत बताइए, ये ठीक नहीं। देखिए 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 मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। विजय मिश्रा के किसी आपराधिक कार्य के लिए समाजवादी पार्टी ने पीठ ठोकने का काम नहीं किया। अरे भाई उनको शेर किसने कहा जनसभा में, उनके अपराधी की पैरवी नहीं करने जा रही है। मनोज जी, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने सभा में कहा कि हमारी सरकार आएगी तो विजय बाहर होगा, ये शेर है। विजय मिश्रा की इतनी मोटी कुंडली है, गुड्डू पंडित की कुंडली है, झूठे मुकदमे, ये हमारी सरकार आज भी कह रही है, हम आप में सब एक हैं, झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, झूठे मुकदमे आज भी, तब तो बहुत मुश्किल है। नहीं, आपकी पार्टी के लोगों पर मुकदमे हो तो झूठे मुकदमे, बीएसपी के लोगों पर मुकदमे हो तो वो अपराधी, आपकी गाय गाय, बीएसपी की गाय ढोर, ये समीकरण नहीं चलेगा। देखिए ईमानदारी की चर्चा हो, कौन बेईमान था और कौन ईमानदार था, पार्टी के खिलाफ आप देंगे ना यहाँ बैठे हुए लोग देंगे, अमर मणि पार्टी के खिलाफ जनता देती है और जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में इसका सर्टिफिकेट दिया है और अमर मणि सर्टिफिकेट दिया है, हिसाब किताब लीजिए जरा। सुभाष मिश्रा जी हम बहुत देर से बैठे हुए, सुभाष मिश्रा जी आप इन दोनों को सुन रहे हैं, आप इन दोनों की पार्टियों पर लखनऊ में बैठ कर देख रहे हैं, बताइए क्या सच है? अभी नया सर्टिफिकेट सर मिलेगा। मैं ये जैसे अतुल जी और अग्निहोत्री जी दोनों लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये हम लोग उम्मीद करें कि बहुजन समाज पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग या इवन समाजवादी पार्टी के लोग अपनी अपनी जो पॉलिटिकल पैरामीटर है उसके बियॉन्ड जाएंगे, ये मुझे इन लोगों से किसी से उम्मीद नहीं कि बहुत मेरिट पे चीजों पर रखेंगे। जैसे आप देखिए बीएसपी के साथ ही ये लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि न्याय साहब उन्होंने 5 साल में बड़ा रामराज दिया, कहीं अपराध नहीं हुआ। जैसे पांडे ने कहा कि बहुत बढ़िया बात कही कि ऐसे मुख्यमंत्री के लिए जिसके जन्मदिन के कलेक्शन के लिए इंजीनियर को मार दिया जाए, दो दो सीएमओ को लखनऊ में मार दिया जाए, लखीमपुर में आपने देखा छोटी थी बिटिया थी लड़की थी उसको थाने में बलात्कार करके मार के बॉडी उसके पेड़ में पुलिस वालों ने टांग दी, और इन सारी घटनाओं को तत्कालीन मुख्यमंत्री तत्कालीन सरकार ने दबाने की कोशिश की, तो वो तो उनका एक पक्ष है। जहां तक समाजवादी पार्टी की सरकार की बात है ये बिल्कुल आपको मानना चाहिए, और जहां तक मेरा भी अपना मानना है कि ये इनके लिए लॉ एंड ऑर्डर क्राइम कंट्रोल ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल इसलिए नहीं है कि एकदम अचानक अपराधी एकदम अपने आप को ये फील करते हैं कि हमें फ्रीडम मिल गई, इसलिए कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में समाजवादी पार्टी के जो चरित्र है उसी में कहीं से गुंडागर्दी अपराधीकरण ये सब चीजें अपने आप में शामिल है। तो जैसे अभी आपने साथी ने कहा कि झांसी से लेकर के फिर जैसे अखिलेश यादव के शपथ ग्रहण में जो कुछ हुआ और बाद में आप पिछले 6 महीने में जो कुछ भी देख रहे हैं, अरे 6 महीने में 5 जगह पर दंगा हो जाता है,
दंगा भी होना चाहिए कोई बात नहीं। बरेली में आपने देखा 21 दिन कर्फ्यू लगा रहा, आखिर आपको ये प्रशासन है क्या? आप ये कह रहे हैं कि सारी चीजें हमने बदल दी, अभी कुछ बदलना बाकी। इस बदलने से नहीं होता है, होता है मुख्यमंत्री के इकबाल से। हाँ। जैसे अग्निहोत्री जी ने कहा कि आप सब इतना मौका मिल गया, आपने ट्रांसफर कर ली, पोस्टिंग कर ली, अरे मुख्यमंत्री के इकबाल और इशारे से प्रदेश चलता था। अरे कुछ अपराधी और